कोई आवाज उठाए तो उसके पीछे सीबीआई और ईडी लगा देना चाहिए और उसे प्रताड़ित करना चाहिए, उसे जेल के अंदर डाल देना चाहिए। ये हमारा संविधान नहीं है। क्यों वो जंतर मंतर पे बिना खाए पिए बैठी हुई है और आप जब वो गोल्ड मेडल लेके आती है तो आप उनसे मिलने जाते हैं, तो आपका ये भी फर्ज है कि जब उन पर मुसीबत आई है तो आप उनके मुसीबत को सुनिए। क्या गलती है उनकी? अगर बच्चियां हमारी शोषित हो रही हैं कहीं और वो आवाज उठा रही हैं, तो क्या उस आवाज को अनसुना कर देना चाहिए? यही है लोकतंत्र। हमारी जितनी भी बेटियां बैठी हुई हैं जंतर मंतर पे, क्या उनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? क्या उनसे हमारे प्रधानमंत्री को नहीं मिलना चाहिए? क्या गलती है उनकी? अगर बच्चियां हमारी शोषित हो रही हैं कहीं और वो आवाज उठा रही हैं, तो क्या उस आवाज को अनसुना कर देना चाहिए? यही है लोकतंत्र। कोई आवाज उठाए तो उसके पीछे सीबीआई और ईडी लगा देना चाहिए और उसे प्रताड़ित करना चाहिए, उसे जेल के अंदर डाल देना चाहिए। ये हमारा संविधान नहीं है। यहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमको सबको मिली हुई है। अगर कोई आवाज हम कोई विरोध में उठाते हैं तो उसे सुनना चाहिए। आपकी सरकार है तो आपसे हमको अनुरोध करना है कि हमारी बेटियों की आवाज को सुनिए। क्यों वो जंतर मंतर पे बिना खाए पिए बैठी हुई है और आप जब वो गोल्ड मेडल लेके आती है तो आप उनसे मिलने जाते हैं, तो आपका ये भी फर्ज है कि जब उन पर मुसीबत आई है तो आप उनके मुसीबत को सुनिए। और बहुत सारे मन की बातें किए हैं प्रधानमंत्री जी माननीय हमारे, तो कुछ काम की भी बात होनी चाहिए। आज ये जो विरोध प्रदर्शन यहाँ हो रहा है उसके पीछे क्या कारण है बताइए? हम किसी व्यक्ति के विरोध में नहीं है, हम किसी व्यक्तिवाद के विरोध में नहीं रहते हैं, ना किसी पार्टी के विरोध में है, बल्कि हम उन मुद्दों की, हम सरकारें जो नीतियां बनाती हैं उसका विरोध करते हैं। धन्यवाद। चलिए।